बल है। तेलंगाना एडवोकेट्स तेलंगाना स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज ये प्रेस मीट रखी गई है। हमारे दरमियान कन्वेनर एडवोकेट तेलंगाना स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी जनाब वली रहमान साहब मौजूद है, को कन्वेनर जनाब अफजल साहब, एम ए हमीद साहब और मैं सैयद शफीउल्लाह कादरी, और हमारे जो एक्टिव मेंबर्स हैं जनाब वाहिद भाई और महमूद सलमान साहब यहाँ मौजूद हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि कुछ केसेस हमारे पास आए हैं जिसके अंदर आधार कार्ड की जो अथॉरिटी है उसकी जानिब से शहरियत को साबित करने के सिलसिले में नोटिसस मुख्तलिफ लोगों को फराहम किए गए हैं जिसकी तादाद 1000 से ज़ायद है, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी इसके अंदर यहाँ पर ये नोटिस रिसीव किए हैं। 20 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है, तो इस सिलसिले में ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि ये जो नोटिस सर्व किए गए हैं ये कहाँ तक इसका लीगल इसकी क्या हैसियत है और मज़ीद तफसीलात हमारे कन्वीनर साहब आपके सामने रखेंगे और इंशाल्लाह ताला इसी के हिसाब से को कन्वीनर अफजल साहब, हमीद साहब वो दिगर आपके सामने मज़ीद तफसीलात रखेंगे। कन्वेनर वली रहमान साहब, 2020 एट मेगा गार्डन्स रॉयल कॉलोनी नियर डायमंड होटल बालापुर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना 5,05,000 विद ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल टू प्रूव ऑल योर क्लेम्स ऑफ सिटीजनशिप एंड इफ यू आर नॉट एन इंडियन नेशनल टू प्रूव दैट यू हैव एंटर्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया लीगली एंड योर स्टे इज वैलिड. On this paragraph only we are going to take all the legal action against these authorities, whether they have the legal sanctity to question the citizenship and nationality and legal stay in the India. शुक्रिया अदा करता हूँ जेसी की तरफ से. आप तमाम मीडिया के मेंबर्स का खुसूसन जैसा कन्वीनर साहब ने अभी कहा है कि हाल ही में UNAIDI अथॉरिटी जो ये अथॉरिटी आधार कार्ड का इश्यूएंस करती है, ये अथॉरिटी आधार कार्ड का वेरिफिकेशन और आधार कार्ड का रेक्टिफिकेशन करेक्शन जो भी होता है ये एक अथॉरिटी है जिसको हम UIDAI बोलते हैं. हाल ही में हमें ये इतलात मिली है कि ये अथॉरिटी ने शहर में खुसूसन हैदराबाद में रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में 1000 नोटिसेस ऐसे शाये किए हैं जिस नोटिसेस में कुछ आधार कार्ड में वेरिफिकेशन आधार कार्ड में क्लेरिफिकेशन मांगा गया है. खुसूसन इसमें ये नोटिसेस में हर नोटिसेस में ये बताया गया है कि आप ये जो आधार कार्ड होल्डर है जिसको नोटिस मिली है अराउंड 100 आदमी यानी 1000 आदमी है जिसमें ये क्वेश्चंस फ्रेम किया गया है ये नोटिस में. ये नोटिस आपके जेरे गौर रखता हूँ मैं. ये नोटिस में ये सवालात भी किए गए हैं कि आप आधार कार्ड के होल्डर से ये कुछ शिकायत आई है इस पर क्लैरिफिकेशन दीजिए, आप आपकी शहरियत का प्रूफ दीजिए, आप किस तरह से भारतीय शहरी है इस चीज़ का प्रूफ सबमिट कर लीजिए. 20 तारीख को ये आधार कार्ड के होल्डर्स ये नोटिस होल्डर्स को बुलाया गया है बालापुर के एक फंक्शन हॉल में. अगर ना आने की सूरत में एक तरफा फैसला कर कर और डीएक्टिवेशन किया जाता है इस नोटिस में बताया गया है आधार कार्ड की नोटिस. क्योंकि एक तरफा फैसला और कोई एक फंक्शन हॉल में बुलाना इंक्वायरी एक इस तरह से करना जिसमें लोगों को शायद ही कई लोगों को नोटिसेस मिली है, शायद ही लोगों को किस चीज़ का कम्युनिकेट नहीं हुआ है, लेकिन हम अथॉरिटी का दूसरे कामों पर हम मुदाखलत नहीं कर रहे हैं. हम ये अथॉरिटी जो आधार कार्ड अथॉरिटी है उसको हम ये सवाल कर रहे हैं खुसूसन और स्पेसिफिकली आपकी नोटिसेस में एक सिटीजन को अपनी शहरियत प्रूफ करने के लिए दस्तावेज फरहम करने की डिमांड करते हैं जो कि खुसूसन सुप्रीम कोर्ट का जो आधार कार्ड के ऊपर जजमेंट है ये चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. इस तरह से किसी शहरी को आधार कार्ड के बिना पर शहरियत का मुतालबा प्रूफ तलब करना ये हम खुसूसन ये गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है. और दूसरी चीज़ जबकि जैसे कन्वीनर साहब ने बताया है कि ऑलरेडी एक शहरी भारतीय शहरी लोग NRC NPR और CAA पर इतना कन्फ्यूजन है ऑलरेडी ये कन्फ्यूजन फेस कर रहे हैं
कयोस है, लोगों में परेशानी है, लोगों कई लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं सीएनआरसी पर, इसमें ये घी डालने का काम कर रही है, आग में घी डालने का काम कर रही है, ये क्लैरिफाइड नोटिस नहीं है। हम चाहते हैं कि यूएनआई अथॉरिटी ये क्लैरिफाई करिए, क्योंकि यूएनआई अथॉरिटी के पास स्कोप नहीं है, उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है कि किसी की शहरियत के ऊपर सवाल करे। शहरियत के लिए दूसरे कानून है, फॉरेनर्स एक्ट है या फिर पासपोर्ट एक्ट है, ये दूसरे सिटीजनशिप एक्ट है, वो उसका स्कोप वो है। आप हम चाहते हैं कि यूएनआईआईडी अपने हुदूद में काम करे। हुदूद ये है कि उनके आधार कार्ड कैसा इशू हुआ, क्यों इशू हुआ, क्या नाम है, क्या करेक्शन है, मगर कि आप नोटिस में ये नहीं पूछ सकते कि आपकी शहरियत का प्रूफ क्लेम करिए। ये संजीदा नुकसान मामला है, शहरियत हमारा एक पैदाइशी हक है, और इस शहरियत पे आप एक शहरी को बोल रहे हैं कि आप शहरियत के साबित करो, ये चीज क्या है, बहुत ही डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं सिटीजंस। ये क्लैरिटी करे, खुसूसन सेंट्रल गवर्नमेंट के कवर में आती है ये यूएनआई अथॉरिटी, ये क्लैरिफिकेशन करना जरूरी है डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर। और दूसरी चीज, हम रियासती हुकूमत तेलंगाना की इससे भी फरियाद करते हैं कि दरख्वास्त करते हैं कि ये कन्फ्यूजन यूएनआई अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करके ये कन्फ्यूजन क्लियर करे कि ये यूएनआई अथॉरिटी आधार कार्ड एक्ट के हिसाब से किसी शहरियत का सवाल नहीं कर सकती। अगर शहरियत का सवाल दूसरा मामला है और आधार कार्ड में करेक्शन रेक्टिफिकेशन का दूसरा मामला है, आधार कार्ड रेगुलेशन ऑलरेडी स्पेसिफाइड है जिसमें अगर आधार कार्ड कोई फेक बनाता है तो उसके लिए कानूनी इकदाम लेने का प्रोविजन है, कोई आधार कार्ड का एड्रेस गलत देता है तो उसके लिए कानूनी इकदाम करने का प्रोविजन है, लेकिन आधार कार्ड के जरिए किसी शहरियत को शहरियत को सवाल करना संजीदा मानने वाले सवाल है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम चाहते हैं कि, और खुसूसन हम जैसे कन्वीनर साहब ने कहा है, तेलंगाना एडवोकेट्स जॉइंट एक्शन कमेटी जो ऑलरेडी हम सीए एनटीसीए प्रोटेस्टर को कानूनी इमदाद कर रहे हैं, कानूनी मदद कर रहे हैं, लीगल एड दे रहे हैं, वो इस तरह से हम ऐसे भी मसाइल को हम फ्री लीगल एड देंगे। और जेएससी ने डिसाइड किया है कि क्योंकि वकील एक सोसाइटी का एक जिम्मेदार शहरी होता है, एक एमयूएस क्यूरी होता है, क्योंकि वकील एक समाजी जिम्मेदारी लेते हुए हम वकला वहां पे पहुंचेंगे और अथॉरिटी से हम उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे। हम चाहेंगे कि ये चीज क्लैरिटी अथॉरिटी भी दे और वहां पे अवाम में जो भी दुश्वारियां आ रही हैं लीगल एड हम बराबर करेंगे, फ्री लीगल एड जिस तरह से भी होता है। थैंक यू। नोटिस मौजूद है, देयर माइट बी थाउजेंड्स और हंड्रेड, इट इज नॉट क्लियर, हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, हर रैंडमली इशू हुआ है, कोई सेलेक्टिवली नहीं है। हाँ, आधार कार्ड में करेक्शन और रेक्टिफिकेशन वेरिफिकेशन उनके अथॉरिटी को अख्तियार है, हम उसमें उनकी मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। हम नोटिसेस में ये अल्फाज की मुदाखलत कर रहे हैं, ये अल्फाज के ऊपर सवाल कर रहे हैं जिसमें शहरियत साबित करने के लिए आप दस्तावेज पेश करो, ये आधार कार्ड अथॉरिटी को अख्तियार नहीं है। हम यहाँ ये बोलने का सर, ये जो इंक्वायरी ऑफिसर है 20 तारीख के दिन यहाँ पे बैठेगा, तो पुराने शहर में ये लगा है, तो साइबराबाद और पुराने शहर के सिर्फ माइनॉरिटीज और मेजोरिटी कम्युनिटी को बुलाया गया है या बंजारा इसमें और इशू किया गया है? सर, इतलात ये है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ माइनॉरिटीज और मेजोरिटीज, इरेस्पेक्टिव ऑफ एसटीएससी, ये रैंडमली इशू हुआ है वहां पे। जब हम 20 तारीख को आपसे मीडिया से दरखास्त है, अदबन दरखास्त है, क्योंकि मीडिया इस तरह से खुसूसन आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक मजबूत रोल अदा कर रहा है, हम उसको सलाम करते हैं वकला खुसूसन, क्योंकि कुछ मीडिया बिक चुका है और खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे लिए चिताइश कर रहा है, हम उसकी वेलकम करते हैं और हमारी दरखास्त है वकला की कि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी वहां पे मौजूद हो। पुराने शहर में कितने अंदाजन जो है कितने सर्टिफिकेट।